नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार भैया। मैं तो आज एक अच्छे श्रोता की तरह सारी चीजें सुनी है। कल आप चले गए थे। आखिरी वाले व्यक्ति के लिए काफी संकट होता है, लेकिन फिर भी बहुत संक्षेप में जो क्षेत्र की बात है वो तो मैं आपको लिख के भेजूंगा, और कुछ मेरी अपने कुछ प्रश्न है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया कि सभी लोग आपकी तारीफ तारीफ कर रहे हैं। शासन को चलाने के लिए एक उक्ति है कबीर दास जी की, निंदक नियर राखिए। अच्छा मैनेजमेंट करें, अच्छा शासन चलाएं, सब तारीफ करें तो कैसे काम चलेगा, मैं निंदा करना मुझे लगा दो तीन चीजों की मेरी आपत्ति भी है। आप जैसे व्यक्ति को निंदा करने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। मैं उस तरीके की निंदा की बात नहीं कर रहा, मैं स्वस्थ लोकतंत्र में प्रतिपक्ष ने कुछ चीजें जो सामने दिखती है उसमें यदि ठीक समय पर वो बात की जाए तो उसका एक असर होता है, और आपको भी उसके डिस्पोजल के लिए, समाधान के लिए एक दिशा मिलती है। शुरुआत में 27 मार्च को मैं और माननीय कटारिया जी आपसे मिले थे और 15 ऐसी कुछ चीजें लिख के दी थी। इसी तरीके से फिर 2 अप्रैल को मैं चीफ सेक्रेटरी और पुलिस महानिदेशक से मिले थे। तीसरा फिर राज्यपाल महोदय से बात करी, उनको 21 बातें लिखी और वो राज्यपाल महोदय ने आपको प्रेषित की थी। मैं बहुत विस्तार से तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आज 49वें दिन मिल रहे हैं हम लोग। अभी सब लोग आपकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन ये 49 डेज हैं। यदि लगभग कोरोना के उत्तर काल में हम लोग मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि पहले मिलते हैं तो शायद और बेहतर कर सकते थे। जो चर्चाएं सुनी उसमें भामाशाह, सीएसआर का पैसा और एमएलए लैंड, 3 फंड्स ने आपको इस पूरे 49 दिन के कार्यकाल में काफी मदद करी है, लेकिन मैं सुन के विस्मित था कि दुनिया के देशों ने, WHO ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 130 करोड़ के देश को और मात्र 70,000 केस होना और कुछ लिमिटेड सी डेथ्स होना, और उसके बाद भी आपकी पार्टी के लोग प्रधानमंत्री पर प्रश्न उठाते हैं, मुझे लगता है वो गरिमा के अनुकूल नहीं है। यहाँ जब चर्चा होती है इसी तरीके के इन्वेस्टमेंट की, तो नेता प्रतिपक्ष ने आपसे सवाल पूछा था, आप भी अक्सर मांग करते हैं लोकतंत्र में करनी चाहिए, लेकिन यूं लगता है कि सारा काम एक पक्ष हो रहा है। देश ठीक नहीं चलेगा तो प्रदेश कैसे ठीक चलेगा, ये बात समझ से परे है। और इस समय हम लोगों ने बड़े उदार मन से, बहुत अच्छी समझ के साथ आपका सहयोग करने की कोशिश की, लेकिन कालांतर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री के प्रति आपके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, नंबर 1 उस पर मुझे आपत्ति है। दूसरा, ये जो तुष्टिकरण और राशन के भेदभाव की शिकायतें थी, अब इसकी सच्चाई क्या है, पर मुझे लगता है कि एक अच्छे राजा की तरह आपको उसकी समीक्षा निश्चित रूप से करनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरीके की बात हमारे प्रदेश में नहीं हो। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि हमने केंद्र की एडवाइजरी का पालन किया, केंद्र का पालन किया, लेकिन जिन बातों पर मुझे आपत्ति है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इससे ब्यूरोक्रेसी में भी संदेश गलत जाता है, राजस्थान के जनता का मनोबल टूटता है। जैसे आरोग्य सेतु है, मेरे से पहले किसी सांसद महोदय ने आपको अवगत कराया, इस प्रकार के कन्फ्लिक्ट की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जब पीएम केयर की बात आई थी तो मेरी पार्टी के हमारे सब विधायकों ने सबसे पहले सीएम रिलीफ में पैसा दिया था, और ये कहा था कि एथिक्स और परंपरा के हिसाब से कि अपने को प्रदेश में सबसे पहले मुख्यमंत्री के कोष में पैसा देना चाहिए। आप तारीख देख लीजिएगा, मेरी पार्टी के, मेरे दल के विधायकों ने सबसे पहले मुख्यमंत्री कोष में पैसा दिया, उसके बाद पीएम केयर में दिया। यहां पर ये लाइन खींच दी कि राज कोविड-19 को डाउनलोड करो और आरोग्य सेतु को डिलीट करो। आपको ध्यान होना चाहिए कि अभी आरोग्य सेतु ऐप दुनिया का ऐसा ऐप बन गया जिसको 10 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है, और 650 ऐसे हॉटस्पॉट में से 300 हॉटस्पॉट को चिन्हित किया था उस इसी आरोग्य सेतु ऐप ने, और आने वाले समय में एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट बनने वाला है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि कम से कम टूरिस्ट गाइड,
और जितने लोग जुड़े हुए हैं उनकी रोजी रोटी का संकट है। आने वाले समय में इम्यूनिटी बूस्टर ये एक बड़ा सेक्टर होगा। हमारे आयुर्वेद की बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि आयुर्वेद के प्रमोशन के लिए मुझे लगता है कि आपकी सरकार को और कुछ इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है। आने वाले समय में हर्बल पार्क, हर्बल इंडस्ट्री ये बड़ा कारक हो सकती है, राजस्थान उसका हब बन सकता है, आप यदि इसकी कोशिश करेंगे। इन दिनों बहुत सारे मुद्दे चर्चा में हैं, किसानों की यहाँ बात हुई, उसकी खरीद से लेके टोल से लेके बारदाने से लेके इतनी सारी चीजों की एक साथ समस्या, मुझे लगता है कि इनके बारे में आपको एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं कोरोना के मैनेजमेंट के साथ एक पैरेलल डिसीजन की जरूरत है। आप यदि सोशल मीडिया की वॉल यदि कोई देखेगा तो वो पूरी वॉल भरी रहती है सब नेताओं की। कम से कम 2 दर्जन ऐसे सेगमेंट हैं जिसमें बेरोजगार अलग अलग तरीके की भाषा में वहां अपनी बात लिखते हैं। मुझे लगता है कि उसकी समीक्षा आप जरूर करें और उन बेरोजगारों को आप एश्योर जरूर करें कि किस एक्सटेंट तक आप उनकी मदद कर सकते हैं। डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, सांख्यिकी के हैं, कृषि के हैं, LDC हैं, इस तरीके के तमाम लोग हैं। मुझे लगता है कि ये एक मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं कि इन सारी कवायद के बीच में अपराध कम हुए हैं, लेकिन वो स्वाभाविक रूप से कम हुए हैं, और जो हुए हैं वो संगीन हुए हैं। उन संगीन अपराधों के होने से ये पता लगता है कि इस आड़ में अपराधियों के हौसले, इस तरीके के जो मानसिकता के अपराधी हैं, लेकिन उनकी कमर तोड़ने के लिए अभी जो मालपुरा की घटना हुई, गैंगरेप हुआ, और वहां जिस तरीके से उन अपराधियों को फास्ट ट्रैक में प्रोसेस होकर उनको सजा मिलनी चाहिए थी, आपकी तरफ से गृह मंत्री के नाते इनिशिएटिव होना चाहिए था, ये मैसेज जाता पूरे देश में। ये सेंदरी में इसी तरीके से घटना हुई, सवाईमाधोपुर में ऐसी अनेकों घटना हुई, छाण में हुई, तो जो इस तरीके के क्राइम हुए हैं जो महिलाओं के प्रति हुए हैं, आपकी सरकार संवेदनशील है तो कम से कम आप तो गृह मंत्री के नाते इनिशिएटिव लेती, उन लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जिस विद्वेष की बात कर रहा हूँ, हमारे 2 MLA के खिलाफ आपने यहाँ मुकदमे दर्ज हुए आपके यहाँ, अभी वो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारे सांसद और विधायक मान्यता के लिए बात कर रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो कम से कम मुझे लगता नहीं है कि इस तरीके से लोकतंत्र में कोई आवाज दबाई जाएगी। तो मुझे लगता है कि इन बातों को आप अन्यथा नहीं लेके सकारात्मक तरीके से कोरोना के मैनेजमेंट के साथ साथ कम से कम प्रदेश के किसानों की, बेरोजगारों की, इस तरीके के अपराध के नियंत्रण की बात को जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। और कोई हम लोग अदरवाइज लेते नहीं है, पर ये बात मैं कहना चाहूंगा कि जो आपके जो फीडबैक मिला आपको वो तथ्यों के विपरीत है, तो कृपा करके आप तथ्यों को पहले करेक्ट कर ले, फिर अपन बात करेंगे। शुक्रिया आपका। मैं कर लूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी जी ने कुछ भी नहीं दिया राजस्थान को, कम से कम आप अपनी तरफ से स्टेटमेंट तो दें कि उन्होंने जो आपको दिया, चाहे जनधन के खातों में 1,52,00,000 महिलाओं के 500 रुपए, पीएम किसान में आए, DMFT के फंड को उन्होंने अप्रूव किया जो 830 करोड़ का है, आप ये बता दीजिए कि 830 करोड़ के DMFT के फंड में 30% खर्च हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारी चीजें उसकी डिबेट की जा सकती है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लोकतंत्र में यदि आप फेडरल स्ट्रक्चर में प्रधानमंत्री का, केंद्र का सम्मान नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ेंगे।